कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के पाए जाने के बाद दुनिया भर में हड़कंप समझ गया है। इस बीच कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर अमेरिकी दवा कंपनी मॉडर्ना ने बड़ा दावा किया। मॉडर्ना का कहना है कि उसकी वैक्सीन कोरोना नए स्ट्रेन पर भी कारगर है। वैक्सीन ट्रायल के नतीजे बताते हैं कि ये वैक्सीन किसी भी स्ट्रेन पर कारगर है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं, इसे लेकर कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया। कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल चुनाव पर कहा कि कांग्रेस पार्टी ने फिर से वाम दलों के साथ गठबंधन में टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा में सरकार का विरोध जारी है। किसानों ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आने से पहले बनाए गए हेलीपैड को फावड़े से खोद डाला। इतना ही नहीं, किसानों ने दुष्यंत चौटाला गो बैक के नारे भी लगाए। दरअसल दुष्यंत चौटाला के हेलीकॉप्टर को इस हेलीपैड पर लैंड करना था। दिल्ली में किन लोगों को सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी, इस पर भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्थिति साफ कर दी है और ये कहा कि दिल्ली में ऐसे लगभग 51 लाख लोग हैं जिनको प्राथमिकता से वैक्सीन दी जाएगी। साथ ही केजरीवाल ने बताया कि जिनका रजिस्ट्रेशन होगा उन्हें पहले वैक्सीन मिलेगी। एसएमएस से बताया जाएगा कि कहां वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में रविन्द्रनाथ टैगोर का संबंध गुजरात के साथ बताया तो पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी भड़क गई। टीएमसी नेता ब्रात्य बसु ने कहा कि सभी जानते हैं कि टैगोर विश्वकवि हैं, तो पीएम मोदी उन्हें एक विशेष प्रदेश से क्यों बांधने की कोशिश कर रहे हैं। देश के मशहूर संतों में से एक योगाधिराज ब्रह्मर्षि लाल बिहारी दास जी उर्फ बर्फानी दादा का निधन हो गया। उन्होंने 23 दिसंबर की रात गुजरात के अहमदाबाद में आखिरी सांस ली। बता दें कि संत लाल बिहारी दास को उनके भक्त बर्फानी दादा के नाम से ही पुकारते थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पाताल भैरवी मंदिर की नींव रखी थी। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। राजधानी इस्लामाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में इमरान ने मंत्रियों से कहा कि अब हमें काम करके दिखाना होगा, सरकार के बचे हुए 2-2.5 सालों में हमें अपने काम से जनता को जवाब देना होगा। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपने अलग अलग रूप को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। कभी वो साइकिल चलाते दिखते हैं तो कभी भगवान कृष्ण का रूप धर लेते हैं, लेकिन इस बार तेज प्रताप का नया रूप लोगों के सामने आया। इसमें वो पीली धोती पहने दिखाई दिए और राधे राधे जपते नजर आए। नेपाल में अपनी खिसकती जमीन को देखते हुए चीनी राजदूत हाओ यांगकी नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी के पुष्पकमल दहल प्रचंड को साधने में जुट गई है। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से मुलाकात करने के बाद गुरुवार को चीनी राजदूत ने प्रचंड से मुलाकात की। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया है कि उनके गुंडों ने दिल्ली जल बोर्ड मुख्यालय स्थित राघव चड्ढा के ऑफिस पर हमला कराया है। तस्वीरों में तोड़फोड़ और फर्श पर खून के धब्बे दिख रहे हैं। राघव चड्ढा ने अपने ट्विटर हैंडल से इसको लेकर एक वीडियो शेयर किया है। हालांकि बीजेपी ने इस घटना को लेकर आम आदमी पार्टी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। वीडियो डेस्क अमर उजाला। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।